कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए संकट की घड़ी में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा भी निभा रहे हैं बहुत लोग। पालमपुर में अफसर दंपति अपनी 16 महीने की बेटी को घर में छोड़कर कई घंटों तक जनता की सेवा में जुटा हुआ है। पालमपुर के DSP अमित शर्मा और उनकी धर्मपत्नी SDM छवि नाटा पूरी शिद्दत से काम में जुटे हैं। छवि बैजनाथ में SDM है। दोनों पति पत्नी सुबह ही अपने घर से निकलते हैं और शाम तक घर पहुंचते हैं। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान यही दिनचर्या उनकी रहती है। इस दौरान नन्ही बेटी को उनकी दादी माँ संभालती है। इस दंपति के लॉकडाउन के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। जी, जैसे सभी जानते हैं कि कोरोना का हिमाचल में पहला केस कांगड़ा जिले में ही आया था, तो इससे पहले कि लॉकडाउन पूरे स्टेट में लगता, कांगड़ा में एक अपना कर्फ्यू करके पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो एक तरह से तैयारी हमारे यहाँ पे DC साहब की अध्यक्षता में पहले ही हो चुकी थी। अपने दिमाग को शुरू में थोड़ा सा ट्रेन करना कि किस तरीके से इस महामारी से डील करना है, वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमने किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्थिति इतना गंभीर रूप ले लेगी। समहाउ एक इल्यूजन था ऐसा था मन में कि हिमाचल में शायद इतने केसेस ना आए। जी बिल्कुल सही बात है। कोविड महामारी कांगड़ा में आने के बाद और उससे पहले भी हम लोगों का जो शेड्यूल है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। वैसे भी हेक्टिक रहता है, लेकिन जब कोरोना की शुरुआत हुई प्रदेश में तो हम लोग काफ़ी बिजी हो गए। हम लोगों को सुबह अर्ली जाना पड़ता था, हम लोगों को रात को लेट तक बाहर काम करना पड़ता था, लेकिन इसमें मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया।